इतनी खुशी आज तक मुझे मेरी लाइफ में नहीं हुई है। अभी मैं आ रही तुम्हें बहुत सारे बलून्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रैवल। डैड आप यहाँ पे कैसे बुक कर सकते हो, चार्जेस क्या रहेगी और क्या डिफरेंस है? हेलो गुड मॉर्निंग, और इजिप्ट के फिफ्थ एपिसोड, आई डोंट रिमेंबर, मैंने अभी काउंट डेज काउंट करना भूल गई हूँ, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा एपिसोड रहेगा। तो उसमें आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत एक्साइटिंग चीज़ करने वाली हूँ, वो है हॉट एयर बलून राइड, जिसके लिए मतलब इट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सुबह के कुछ 6 बजे और उठना था तो मुझे 4 बजे, बट मैं लेट हो गई, मतलब मुझे मेरी नींद ही नहीं खुली। तो अभी हम बोट से जाएंगे वेस्ट बैंक, मैंने आपको बोला रहेगा जैसे कि इजिप्ट ये लक्सर सिटी, मैं लक्सर में हूँ, इसका हमसे ना साउथ अपर साउथ ऑफ अपर इजिप्ट, उसमें ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है, एक ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक, उसके बीच में से जाती है नाइल रिवर। तो नाइल रिवर के ईस्ट साइड पे ईस्ट बैंक है और वेस्ट साइड पे वेस्ट बैंक पे। तो जो हॉट एयर बलून राइड है वो होती है वेस्ट बैंक में। तो अभी मैं जो रह रही है वो रह रही हूँ, मतलब यूजुअली होटल्स ईस्ट बैंक के यहाँ पे ही होते हैं। तो ईस्ट बैंक से हम बोट लेके वेस्ट बैंक जाएंगे और फिर वेस्ट बैंक में हम करेंगे हॉट एयर बलून राइड। हम जा रहे हैं अभी वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक में होती है हॉट एयर बलून राइड। मेरे सामने आप माउंटेंस देखते हैं, माउंटेंस के ऊपर हॉट एयर बलून फ्लाई करते हैं। तो अभी हम और लोगों का वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग आएंगे, फिर हम वहाँ पे जाएंगे, फिर वो परमिशन का वेट करेंगे। मतलब हॉट एयर बलून राइड का ऐसा होता है कि एवरी डे फ्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए विंड सिचुएशन सही होनी चाहिए, तो वो अथॉरिटी से उनको परमिशन मिलेगी, उसके बाद यू आर रेडी टू फ्लाई। बट कितना टाइम लगेगा नहीं पता, आई एम स्टिल वेटिंग, और यहाँ आके भी आधा घंटा हो गया है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डे इन लक्सर, और इजिप्ट में सिर्फ लक्सर में ही होती है हॉट एयर बलून राइड, और उसके बाद तो कपादोशिया में होती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा है। मतलब व्यूज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं कपादोशिया में, जैसे हॉट एयर बलून राइड ऊपर चलती है और नीचे माउंटेंस का व्यू दिखता है, वैसे इधर भी सेम ही है। सो आई होप कि मुझे करने मिले आज, और यस लेट्स सी क्या होता है। वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था और लोगों के लिए वेट कर रहे थे, बट हम ही लास्ट थे। तो थिंग इज़ कि अभी ये वेट कर रहे हैं कि अथॉरिटी से परमिशन के लिए, कि अगर उन्होंने परमिशन दिया तो देर गो फॉर हॉट एयर बलून राइड, अदरवाइज देर स्किप इट। ऐसा होता है कि एवरी डे नहीं होता है, विंडी सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि जाना है नहीं जाना है, तो इफ़ इट्स वे टू विंडी तो कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा हर जगह पे होता है, जिधर भी आप हॉट एयर बलून राइड देखोगे वहाँ पे अगर सिचुएशन विंडी नहीं है तो ही करते हैं, अदरवाइज वो स्किप करना पड़ता है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सिचुएशन विंडी ना हो और हमें हॉट एयर बलून राइड करने मिले। वैसे इट्स वेरी नाइस वेदर, इतनी ठंड नहीं है, कल जितनी तो नहीं है, कल मैं आई थी इसी टाइम पे तो कल थोड़ा मुझे ठंड लग रही थी, बट अभी इट्स नॉर्मल। मतलब ऐसी कुछ ये बोट दिखती है जिसमें मैं बैठी हूँ, और यहाँ से हम बोट लेके जाएंगे उस साइड पे वेस्ट बैंक पे। तो जो माउंटेंस आपको दिख रहे हैं पीछे, वो माउंटेंस के यहाँ पे होती है हॉट एयर बलून राइड। और यस, तो 6:30 तो हो गए हैं, अभी भी कोई अपडेट नहीं आया। आई होप दे गेट द परमिशन एंड विल डू दी हॉट एयर बलून राइड। मुझे ना ये जो एरिया है ये देख के मुझे वो उदयपुर की याद है। तो फाइनली हमारी बोट निकल चुकी है और अभी हम जा रहे हैं वेस्ट बैंक यहाँ से। तो इतने टाइम तक हम लोग परमिशन के लिए वेट कर रहे थे, अभी परमिशन मिल गई है। तो इतनी खुशी आज तक मुझे मेरी लाइफ में नहीं हुई है। पहले 2 मिनट पहले तो किसी ने बोला कि नहीं आज नहीं जा सकते, बट देन अभी सडनली बोला कि ओके जा सकते, तो एवरीवन इज सो हैप्पी। वाटर इज सो क्लियर, बोट से राइड करके आ गए वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक
मतलब सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. थोड़े बहुत होटल्स यहाँ पे भी है, मुझे लग रहा था यहाँ पे होटल्स नहीं है बट है थोड़े बहुत. बट ईस्ट बैंक ज़्यादा डेवलप्ड है वेस्ट बैंक से, ऐसा मुझे लग रहा है उतरते ही. अभी मैं पहुंच गई हूँ ये हॉटर बलून वाले राइड साइट के यहाँ पे. यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो हॉटर बलून राइड में, हॉटर बलून में हवा भर रहे. तो अभी मेरे साथ कैब में और बहुत से लोग थे और आई गेस 7-8 लोग रहेंगे. तो हम लोग इसमें बैठेंगे और ऊपर उड़ेंगे. तो अभी इसमें शायद हवा देखेंगे. उन्होंने, हम जब आ रहे थे कैब में तभी एक पेपर पे हमारा वेट लिख के दिया. तो आई गेस ये वेट से मेजर होता है और उसके अकॉर्डिंग उस भी हवा भरते हैं ऐसा कुछ ना. अभी देखते हैं कैसा होगा. तो पीछे आप, अभी मैं आ रही थी, बहुत सारे बलून्स दिख रहे हैं. अभी यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 ही है बट आप उस साइड देखोगे तो और भी बलून्स उड़ रहे हैं. तो या इट्स वेरी एक्साइटिंग. अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए बोला. तो एक बाजू में एक शॉप था, वहाँ पे मैंने ये चॉकलेट और जूस लिया है. थोड़ा सा डिजी सा फील हो रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ. वैसे भी कल रात को मैंने ढंग से डिनर नहीं किया था और सुबह भी तो कुछ हुआ ही नहीं. वो अभी उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, उसके बाद हम जाएंगे बलून में. वो इसमें ऐसा कुछ हवा भरते है शायद. बलून में भर रहे हवा. तो बलून में हवा भरने के बाद शायद हमें वहाँ उसमें बिठाएंगे वो जो बास्केट है उधर, और उसके बाद ये जो बलून है वो ऊपर उड़ेगा. बहुत फोर्स लगानी पड़ रही है उनको. हवा जा कर रही है बट हमारी होटल बलून राइड तो हुई ही नहीं. मतलब हम वहाँ पे चले जाते जाते 8 बज गए थे और आई थिंक हवा कम हो गई थी या फिर बलून फूक ही नहीं रहा था. इसके लिए बाद में कुछ टाइम हम लोग ने ट्राई किया और फिर बाद में वो बंद करके रख दिया. तो सब लोग सैड हो गए. मतलब बाकी लोग, बाकी भी बलून्स थे पहले जब हम लोग जा रहे थे, मैंने देखा था कि बलून्स उड़ रहे थे और बाय द टाइम वी रीच देयर तो बलून में हवा ही नहीं जा रही थी और फूक ही नहीं रहा था. तो कैंसिल करना पड़ा. तो अभी हम वापस जा रहे हैं हमारे होटल कैब में. सैडली मैं आपको होटल जाके बताऊंगी कि इसके रेट्स कैसे होते हैं. ये कप्पदोकिया टर्की में आता है, वहाँ पे होता है हॉट एयर बलून राइड. और दूसरी जगह है ये लक्सर जो इजिप्ट में है, वहाँ पे होता है हॉट एयर बलून राइड. तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए मैंने चूज़ किया था कि मैं यहाँ पे आके करूँ लक्सर में. तो अगर मैं वहाँ पे भी रहती तो देयर माइट बी अ चांसेस कि मुझे सेम एक्सपीरियंस होता. तो या इट्स ऑलवेज दिस थिंग कि आप हमेशा ऐसा बोल नहीं सकते कि आप आज गए और आप हो गए. मतलब हो भी सकता है, इट्स ऑन अ लक फैक्टर, बट मेरा तो नहीं हुआ. अभी देखते हैं. तो हम वापस वो बोट के पोर्ट के यहाँ पे आ गए. तो द थिंग इज़ कि हमारा हॉट एयर बलून राइड तो हुआ ही नहीं बिकॉज बाय द टाइम हम वहाँ पे पहुँचे हवा आई गेस कम हो गई थी. वो बहुत टाइम तक हवा भरने का ट्राई कर रहे थे बलून में बट बलून फूक ही नहीं रहा था. तो इट्स सैड कि मैं कर नहीं पाई और आज मेरा लास्ट डे है, कल नहीं आ सकती. तो हॉट एयर बलून राइड तो रह गया. मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सब जगह पे है. मतलब हाँ, मैंने पढ़ा तो था अगर आप कप्पादोकिया में भी करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट डे जाओ और फर्स्ट डे आपको हॉट एयर बलून राइड मिले. तो किसी भी जगह पे जाना है अगर और हॉट एयर बलून राइड करना है तो यू हैव टू कीप 2-3 days इन लाइन. एक दिन पे घरों से हम नहीं जा सकते. इट्स लाइक अ लक फैक्टर, अगर हुआ तो कर सकते, नहीं हुआ तो नहीं कर सकते. अभी मैं कल तो यहाँ पे नहीं रहूँगी, कल मॉर्निंग में तो मेरा तो इधर का हॉट एयर बलून राइड रह ही गया. बट अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी आप एक बार ट्राई. मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, मेरे साथ हुआ है. तो शायद आप 2 या 3 दिन यहाँ पे रुके, उसमें से सेकेंड डे या फिर थर्ड डे या फिर फर्स्ट डे भी आपका हो सकता है. तो यार नेवर लूज अ होप. तो लेट्स सी, अभी हम होटल वापस जा रहे हैं. होटल जाके मैं बैठ के आपको बताऊँगी आप इसको कैसे बुक कर सकते हो, इसका प्राइस क्या रहेगा और कितना डिफरेंस है कप्पादोकिया में और इजिप्ट में. वापस वेस्ट बैंक से ईस्ट बैंक जा रहे हैं बोट से. हार्डली 2 या 3 मिनट्स का बोट राइड है, उसके बाद पहुंच जाते हैं उधर. पूरा
ऑफ हो गया यार, हॉट एयर बलून राइड करने नहीं मिला, एंड दिस वाज माय ओनली चांस. क्या करे, छोड़ भी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रैवल. हर टाइम आपके मन जैसा नहीं हो सकता, तो ठीक है, कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम. मैं जिस टैक्सी में आई, उस टैक्सी का ड्राइवर मुझे बोल रहा था कि आप ऐसे ही बात कर रहा था, तो उसने मुझे पूछा कहाँ से हो, तो उसने बोला, मैंने बोला कि इंडिया से हो. मुझे बोलता है इंडियंस हैव अ वेरी नाइस हेयर, ब्यूटीफुल हेयर. बोले अच्छा, नाइस. क्या बोल रहा था उसको कि इंडिया हैज़ अ गुड पीपल, गुड फ्रेंड. ओके नाइस. सो इट्स अ गुड इम्प्रेशन ऑफ इंडिया, बट इट्स फॉर मी इजिप्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट दैट गुड. तो हॉस्टल में वापस आ गई हूँ. ये बिल्डिंग है मेरे हॉस्टल की, बहुत पुराना सा हॉस्टल है ये, बट अच्छा है, क्लीन. थिंग इज़ कि उसने मुझे जो रूम दिया है वो फोर्थ फ्लोर पे, और फोर्थ फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता है, तो थक जाती हूँ. फोर्थ फ्लोर के ऊपर आता है रूफ टॉप, जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं. वैसे तो और कुछ खाने का सामान है नहीं यहाँ पे. ये है फोर्थ फ्लोर जहाँ पे मैं हूँ. दिस इज़ माई रूम, डॉर्म रूम है, और दो लड़कियाँ हैं इधर, और ये बाकी आई गेस उनके पास प्राइवेट रूम्स भी है. तो अभी मैं जा रही हूँ रूफटॉप पे ब्रेकफास्ट करने. तो मैं हॉस्टल में वापस आ गई हूँ, और अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे. और मैं बोल रही थी कि हाँ, मैंने बोल रही थी कि मैं ये होटल बलून राइड आप यहाँ पे कैसे बुक कर सकते हो, चार्जेस क्या रहेंगे, और क्या डिफरेंस है टर्की और इजिप्ट में, अगर आपको थोड़ा कम पैसे अगर आपको थोड़ा चीप प्राइस में बुक करना है हॉट एयर बलून राइड तो आप इजिप्ट में कर सकते हो. मतलब ऑलमोस्ट द एक्सपीरियंस सेम है, वहाँ पे भी आपको माउंटेंस दिखते हैं उड़ते टाइम, और यहाँ पे भी आपको माउंटेंस दिखते हैं, बट वहाँ पे माउंटेंस की रेंज ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है. तो और कम है, तो अगर आपको वैसे करना है तो कर सकते हो. द थिंग इज़ कि आपको दोनों जगह पे 2 या 3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, पर हॉट एयर बलून राइड आपको मैंडेटरी करना है. तो मैं तो यहाँ पे 1 ही दिन रुकी हूँ. दैट वॉज, दिस इज़ नॉट माय मेन एजेंडा, मुझे और चीज़ें भी करनी है आगे, उसके लिए मुझे डेज चाहिए. तो मैं ये अभी स्किप करूँगी, मैं 1 ही दिन यहाँ पर रुकी थी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है. तो अभी तो नहीं हो सकता, बिकॉज कल आज रात को तो मैं निकल रही हूँ. तो सेकेंडली प्राइस यहाँ पे मैंने पे किया था $48, विच इज़ 1400 इजिप्शियन पाउंड, और इंडियन रुपीज़ में 3600. सो ये होटल, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था. आपको होटल से पिक करेंगे, देन आपको बोट राइड रहेगा फ्रॉम ईस्ट बैंक टू वेस्ट बैंक, देन वेस्ट बैंक से कार से लेके जाएंगे वो स्पॉट पे जहाँ पे हॉट एयर बलून राइड होती है, और वहाँ पे आपको हॉट एयर बलून राइड कराएंगे. कुछ 10-15 मिनट का वो राइड रहेगा, और बाद में वापस आपको होटल में ड्रॉप करेंगे. तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है. और कपदोशिया की बात करें, तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो उसका प्राइस मैंने चेक किया था इंटरनेट पे, वो 8500 रुपीज़ होता है. तो विच इज़ एक्सपेंसिव, बट वहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस है. एंड यस, तो अगर आपको यहाँ पे करना है, अगर आप टर्की नहीं जा रहे हो, आप इजिप्ट रहे, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे करो ही. और अगर आप जा रहे हो तो चूज़ कर लो, अगर आपको कम पैसे में थोड़ा करना है तो यू कैन डू हियर, अदर देन आप वहाँ पे भी कर सकते हो. सो यस, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हॉट एयर बलून राइड. तो आज मैं जाऊंगी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ हुरगाडा. हुरगाडा इज़ अ बीच टाउन, इट्स फेमस फॉर डाइविंग एंड स्टफ, बट मैं वहाँ पे डाइविंग नहीं करने वाली. उसके बाद मैं एक जगह पे जाऊंगी, वहाँ पे मैं स्कूबा डाइविंग करूँगी. आई एम गोइंग टू एनरोल फॉर द ओपन वाटर स्कूबा डाइविंग कोर्स, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था. इसकी वजह से मुझे वीज़ा भी मिला. आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया, और स्कूबा डाइविंग का उसमें क्या पार्टिसिपेशन है. तो यस, तो अभी आज रात को जाऊंगी हुरगाडा. तो यहाँ से लक्सर से हुरगाडा 4 आवर्स का बस जर्नी है. तो कल मुझे हॉस्टल में एक हंगेरियन गर्ल मिली थी, तो शी वॉज़ ऑल्सो कमिंग विथ मी टू हुरगाडा. तो हम साथ में जाएंगे बस में. मैंने हॉस्टल अभी तक फिगर आउट नहीं किया है, तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होके वीडियो एडिटिंग करूँगी, उसके बाद आज के रात का स्टे का फिगर आउट करूँगी, एंड देन आई विल सी कि क्या करना है फिर. और मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए भी वे कैसे जाते हैं उसका फिगर आउट करना है.
तो या आज का दिन मैं वही सब करने वाली हूँ यहाँ पे, और भी चीज़ें देखने के लिए, बट आई विल नॉट गो बिकॉज मैं कर्नक टेम्पल गई थी एंड इट वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस. तो मुझे आज का दिन थोड़ा सा फ्री ही रखना है, तो मैं वही करूँगी. सो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.